एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आज ये कहाँ पे आ गई हूँ, तो चलिए आपको भी मैं लेके चलती हूँ इस स्वीट सी एडवेंचरस जर्नी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ये देखिए, ये है मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने MBA करा था, तो इसके साथ भी बहुत सारी मेमोरीज है। तो हम लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब हम भाई बहनों की मस्ती देखिए। तो मैं आपको बता रही थी कि आज हम काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर घूमने निकल रहे हैं और आज अचानक ही सुबह सुबह हमारा प्लान बना जाने का। तो कीवी जो है हमारी खेलते खेलते थक गई और फिर उसके बाद मम्मी की गोद में सो गई कीवी। फिर उठी और इसे भूख लगी है तो ये जूस पीने लग गई। बच्चों का तो यही चलता है। एक्चुअली हमारा अचानक से जाने का प्लान बना तो हमने फटाफट से रास्ते के लिए सामान पैक किया और चल पड़े हम आज के सफ़र पर। दोस्तों, ये है गर्जिया का इलाका जो कि ढिकुली रेंज में ही आता है और अब ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है रामगंगा रिवर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे डिस्कवरी चैनल वालों के थ्रू और उन्होंने मतलब एडवेंचर किया था बियर ग्रिल के साथ। तो उत्तराखंड तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आते रहते हैं। यहाँ पे दो बड़े बड़े मंडल हैं जो कि हैं गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल, और यहाँ पे कई सारी सड़कें हैं जो कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल को जोड़ती हैं और उनमें से एक सड़क जिसे काफ़ी कम लोग जानते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसी रास्ते पर अपने सफ़र पर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे एक बहुत ही प्यारा सा वाटर रिसोर्स आने वाला है जो कि मतलब नदी का एक पार्ट है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए और वाकई में ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों, ये सड़क हल्द्वानी से रामनगर और रामनगर से मारचूला को जोड़ती हुई सड़क है। मारचूला जो है वो एक हिल स्टेशन है जहाँ ट्रैकिंग वगैरह होती है, ठीक है। और अब देखिए, पहाड़ जो है हमारे स्टार्ट हो गए हैं जो कि दोनों साइड हैं, एक साइड हमारे रिवर है, एक साइड पहाड़ है, भी दोनों साइड पहाड़ भी होंगे आगे। जो ये रिवर है ये है रामगंगा रिवर है और जो मारचूला की ये सड़क आगे जाकर दो जगह बढ़ जाती है। एक रास्ता रिकड़ी खाल को होते हुए लैंडस्टोन और कोटद्वार को जाकर मिलता है और आगे जाकर ये जो रास्ता है वो पौड़ी में मिल जाता है और वहीं इसका जो दूसरा भाग है वो हिरोखाल होते हुए सीधा पौड़ी जाकर मिलता है। और इस तरफ को मैं ये दूसरी बार आ रही हूँ, पहली बार मैं उस साइड से आई थी, मैंने कोटद्वार से ये वाला रूट लिया था।
इस बार मैं इस साइड से जा रही हूँ, रामनगर की साइड से। तो मैंने सोचा इस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये मौसम जो है, इस मौसम में इतनी ग्रीनरी है और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको देख के ही इतना अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग तो वहाँ पे गए हुए थे, तो हमें कैसा लग रहा होगा, यू कैन इमेजिन। और आप लोग भी यहाँ पे जाने का प्लान कर सकते हैं। फुल पैसा वसूल ट्रिप है ये, आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि आप ऐसी जगह पे गए। अब बारी है जानने की पापा का रिएक्शन यहाँ आने पे। और पापा कैसा लग रहा है आपको? मैंने मैंने क्यों मुझे बहुत बढ़िया एडवेंचर है। और अब हम लोग थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमें एक रुकने की बहुत ही अच्छी सी जगह मिल गई है। तो हम लोग अब यहाँ पे रुकेंगे। ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे एक सी बैंड था, और यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा, मतलब नेचर का एक
सीन है देखिए। तो हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, उत्तराखंड काफ़ी सुंदर जगह है और पिक्स लेना तो बनता है ऐसी जगह पे। और ये जो ट्रिप हमारी बनी थी वो बहुत ही सडन ट्रिप थी और हम लोग बस ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो सडनली मन में ख्याल आया कि यहाँ चलना चाहिए और सब मान गए। और ये एक रैंडम ट्रिप थी, इसके लिए हमने कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं की थी। तो जो रैंडम ट्रिप्स बनती हैं वही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। साइड में आपको रामगंगा रिवर का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है जो मैं अभी आगे आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ इस बारे में। अभी आगे से मैं आपको उसका फुल व्यू दिखाऊंगी। और ये रिवर इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह की थी बियर ग्रिल्स के साथ, तो इसलिए भी ये ज़्यादा स्पेशल बनती है। देखिए रिवर का व्यू अब आ चुका है, मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके कि मैंने कार से ही शूट किया है, ज़्यादातर इतना रुकना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वेदर भी ख़राब हो रहा था और रास्ते में हमें बारिश भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी शूट किया है। और जो मेरा व्लॉग है वो एक ही व्लॉग में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो मैं इसके पार्ट वन और पार्ट टू आपको सीरीज़ दिखा रही हूँ। तो ये पार्ट वन है, पार्ट टू बहुत जल्दी आ जाएगा और उसको भी ज़रूर देखिए और वो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये देखिए उत्तराखंड का अद्भुत नज़ारा। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ की सुंदरता के तो क्या कहने, हम उत्तराखंड वाले बहुत खुश नसीब हैं जो ऐसी जगह पे हमारा जन्म हुआ है देवभूमि में, तभी से देवभूमि कहा जाता है। आप देख लीजिए, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, उत्तराखंड बहुत ह्यूज है और उसमें मतलब जो ये ब्यूटी है नेचर की ये भर भर के भरी हुई है। तो मैं अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बेल आइकन होता है साइड में, आप उसे जाके क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप मेरा व्लॉग देखना मिस ना करें। एंड वन मोर थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर रही हूँ आपको इन्फो देने के लिए कि मोदी जी यहाँ पे आए थे, मेरे पास प्रूफ हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं और आप गूगल में रिसर्च कर ही सकते हैं ऑब्वियसली।